हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबडी इज इन पिंक ऑफ हेल्थ एंड सेलिंग इन ओशन ऑफ पीस। आई एम प्रोफेसर यश हितेश शाह फ्रॉम साई यश एकेडमी। ये चैनल में आपको SYJC अकाउंट्स के सारे वीडियोस अवेलेबल किए जाएंगे, पोस्ट किए जाएंगे। जो भी SYJC अकाउंट्स सब्जेक्ट सीखना चाहता है वो मेरे साथ ये चैनल पर फ्री में सीख सकता है। मैं हर एक चैप्टर के हर एक सम का वीडियोस ये चैनल पे पोस्ट करने वाला हूँ। सब लोग इसका फ़ायदा ले सकते हैं। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ क्या करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना कि दूसरी बार मैं जब वीडियो डालूँ तो सबसे पहले वीडियो तुम्हारे पास पहुँचे। चलो तो मैं शुरू करता हूँ। फ्रेंड्स, हम SYJC अकाउंट्स का पहला चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स हम शुरू करते हैं। फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये चैप्टर 11th में भी था पर ये पैंडेमिक के कारण सब लोग ने घर पर ही 11th दिया है, तो आई होप सबको इतना बेस क्लियर नहीं होगा। तो ये चैप्टर 12th का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है, सबसे ज़्यादा वेटेज भी कैरी करता है, तो इसलिए ये चैप्टर हमारे लिए सीखना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब ये चैप्टर में क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। और हम सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, चार चीज़ बनाएंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट और लास्ट वन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट शुड बी मस्ट बी टैली होना चाहिए, बैलेंस शीट शुड बी मस्ट बी टैली होना चाहिए, जिससे तुमको फुल मार्क्स मिलेंगे ये चैप्टर के लिए और ये सम के लिए जो एग्ज़ाम में कंपलसरी क्वेश्चन है पूछा जाएगा। तो मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ, क्वेश्चन में क्या आएगा फाइनल अकाउंट्स में, तो ट्रायल बैलेंस आएगा जिसके वन इफेक्ट होते हैं। मतलब ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज़ें दी है, डेबिट साइड कुछ चीज़ दी होगी, क्रेडिट साइड कुछ चीज़ें दी होगी, सबका एक एक इफेक्ट आएगा। सबका कितना इफेक्ट आएगा, एक ही इफेक्ट आएगा, मतलब ये चारों में से कोई एक जगह पर जाएगा। एंड नेक्स्ट वन इज कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे, उसके साथ कुछ एडजस्टमेंट्स दिए होंगे और इससे हम सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, चार चीज़ बनाएंगे। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट एंड लास्ट वन बैलेंस शीट बनाएंगे। और बैलेंस शीट शुड बी मस्ट बी क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए। तो चलो हम शुरू करते हैं इस चैप्टर का, पहले थोड़ा बेस बताता हूँ। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में सब फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग इससे रिलेटेड चीज़ आता है, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है और उससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस इसके जो भी खर्चे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाते हैं और इससे रिलेटेड जो भी इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाती है। उसके बाद आता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये ध्यान से पता करना है, समझना है कि अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल का इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। पर अगर ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया है, दोनों का इन्फॉर्मेशन दिया है तो हम क्या प्रिपेयर करेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल सीधा लायबिलिटी में जाएगा, सीधा लायबिलिटी में जाएगा। तो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ कि अगर ट्रायल बैलेंस में हमको पार्टनर्स कैपिटल का इन्फॉर्मेशन दिया है हम पार्टनर्स कैपिटल प्रिपेयर करेंगे, पर ट्रायल बैलेंस में पार्टनर्स कैपिटल के साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी दिया है तो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल डायरेक्ट लायबिलिटी में जाएगा, डायरेक्ट लायबिलिटी में जाएगा। और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में सिमिलर चीज़ ही आती है। क्या क्या आएगा, एक तो उनका कैपिटल आएगा जो हमको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड देते तो हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे, क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। और अगर डेबिट साइड दिया है, करंट अकाउंट का डेबिट साइड भी देते तो हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस से मालूम पड़ेगा अगर डेबिट में कैपिटल का बैलेंस दिया है तो हम टू बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे और अगर क्रेडिट में बैलेंस दिया है ट्रायल बैलेंस में तो हम बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करेंगे। और पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, पार्टनर्स का सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, ड्रॉइंग्स आता है पार्टनर्स का, ड्रॉइंग्स आता है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। बस इतना ही चीज़ पार्टनर्स कैपिटल या करंट में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। एंड लास्ट इज हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लास्ट हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट में एक बाजू लायबिलिटी रुपीस, एक बाजू असेट रुपीस, और लायबिलिटी असेट का टोटल अपने आप क्या आना चाहिए, सिमिलर आना चाहिए, जिससे हमको पता चलेगा कि हमारा सम राइट है और हमारा सम क्या हुआ है, टैली हुआ है, तो हमको फुल मार्क्स मिलेंगे। ये था बेसिक वीडियो किसके ऊपर, फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर। इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा और हम सॉल्यूशन में क्या बनाएंगे, इसका मैंने ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग सबको दिया। आई होप सबको समझा होगा।
आगे इसके बाद मैं एडजस्टमेंट्स के ऊपर दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, ज़रूर वो देखना, जिससे तुम्हारा और भी अच्छा कंसेप्ट्स क्लियर होगा इस चैप्टर के ऊपर। थैंक यू, आई होप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक करो, शेयर करो।